हेलो एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे हम लोग। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ मेथड बता दिया था मैंने, और इसमें डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन देखना है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या कह रहा है इसमें, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक्वस सोल्यूशन है। चलो ले लेते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया और प्लस वाटर हो गया, एक्वस सॉल्यूशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। इट इज सेपरेटेड बाय सीटिंग इट विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन वाटर। तो अब हम कहा जा रहा है कि वाटर से एक्वस सॉल्यूशन है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमें सेपरेट करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिए, वो एस से लिखते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया यहाँ पे। इसकी हेल्प से हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इनमिसिबल टू ईच अदर सो दैट टू डिस्टिंक्ट लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग वाटर। तो पहली बात, दूसरी कंडीशन ये कहा जा रहा है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इनमिसिबल होना चाहिए। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इनमिसिबल, जिससे क्या जाए, दो डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म होंगे, क्या होंगे, दो डिफरेंट लेयर फॉर्म होंगे। दो डिफरेंट लेयर फॉर्म होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, सेपरेटरी फनल से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज लेटर रिमूव्ड बाय द डिस्टिलेशन बाय इवेपोरेशन टू गेट बैक द कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, जो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, तो सिस्टम को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज लेटर रिमूव्ड बाय द डिस्टिलेशन और बी आई ग्रेटिंग टू गेट बैक द कंपाउंड। अगर मान लो ये कंपाउंड इसमें इनमिसिबल हो गया, मिसिबल हो गया, यहाँ से क्या होगा, मिसिबल हो जाएगा, और हम इन दोनों को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन दोनों के मिक्सर को हम लोग किससे की हेल्प से हम लोग सेपरेट कर लेंगे, डिस्टिलेशन की हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें देखो कि मेन क्या कहने का पर्पज क्या है कि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हम लोग कब यूज करते हैं। यदि मान लो कि दो लिक्विड हैं, अभी तो जनरल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वाटर का एक एग्जाम्पल दिया। मान लो दो लिक्विड का, कोई भी लिक्विड वन है और लिक्विड टू है, इन दोनों को अगर हमें सेपरेट करना है, दोनों को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे इसको, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो कब हम यूज करते हैं, तो दोनों का यहाँ पे ये नहीं दिया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सिमिलर रहेगा, तो हम उसको डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते। डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम एक लिक्विड और यूज कर लेते हैं, एलपी। मान लो कोई लिक्विड यूज कर लिया, ये दोनों इनमिसिबल होने चाहिए, और ये वाला दोनों में से कोई एक L1 जिसको हमें सेपरेट करना है, ये क्या होना चाहिए, मिसिबल होना चाहिए L3 में। ये दोनों L3 L1, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होगा, L1 और L3 का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। अब इन दोनों को हम लोग किससे की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे, डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये मेथड हो गया डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का, कि कोई भी दो लिक्विड का मिक्सर है जिनका बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो सिमिलर है, तो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। और जो होना क्या चाहिए, दोनों आपस में मिसिबल होना चाहिए, कोई एक लिक्विड क्या होना चाहिए, इसमें मिसिबल होना चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हम यूज करेंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल से, डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे देखो बनाया गया है। देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस लेयर है, एक्वस लेयर है यहाँ पे, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और प्लस वाटर है, जिसको हमें सेपरेट करना है वाटर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प सेपरेट करना है। और ये क्या है, हमें जो तीसरा सॉल्वेंट हम लोग जो ऐड कर रहे हैं, इसकी हेल्प से क्या हम करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करेंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या होना चाहिए, इसमें मिसिबल होना चाहिए, और ये जो पूरा मिसिबल ये वाला और ये वाला पूरा है, ये दोनों आपस में इनमिसिबल होना चाहिए। तो देखो धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर आ गया। तो और इसको क्या करेंगे, धीरे सेपरेट कर लेंगे। अब ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा, डिफरेंट रहेगा, इसको हम लोग किसकी हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। समझ
समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। आगे इसमें पढ़ते देखो क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट इन अ सेपरेटरी फनल। सेपरेटरी फनल देख लिया एस वन फिगर समझ में आ गया होगा। इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेस सॉल्युबल देन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें अगर ये लेस मिसिबल है, अगर ये लेस मिसिबल होगा तो हम क्या करेंगे इसको, हमें ये लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड। बहुत कम क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए क्या होगा, ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होगा रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा। द टेक्निक ऑफ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन, अब देखो कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन क्या है, इसे ये इज इंप्लाइज सच अ केस इन दिस टेक्निक सम सेम सॉल्वेंट इज रैपिडली रिपीटेडली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन। हम बार बार क्या करेंगे एक्सट्रैक्शन करेंगे, बार बार एक्सट्रैक्शन करेंगे। अगर मान लो क्या आएगा लेस मिसिबल रहेगा तो हम क्या करेंगे बार बार यूज करेंगे, बार बार सॉल्वेंट को यूज करेंगे और सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। पांचवा मेथड कौन सा है सेपरेशन का, क्रोमेटोग्राफी है, देखते हैं क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक फॉर एक्सटेंसिवली यूज टू सेपरेशन सेपरेट मिक्सचर। अब क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज किया जाता है, सेपरेट दो लिक्विड जो भी दो सब्सटेंस रहेंगे दो का मिक्सर रहेगा उनको मिक्सर को सेपरेट करने के लिए इनटू देयर कंपोनेंट कंपोनेंट्स हम सेपरेट कर सकते हैं। प्यूरीफाई द कंपाउंड, कंपाउंड्स को प्यूरीफाई भी किया जा सकता है एंड ऑल्सो टेस्ट फॉर द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, कौन सा ये कंपाउंड कितना प्योर है ये भी टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तीन मेथड के लिए कि दो दो सब्सटेंस का क्या है, मान लो L1 और L2 का मिक्सर है, तीन दोनों को हमें क्या करना है सेपरेट करना है तो भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा और प्यूरीफाई करना है मतलब वही चीज़ हो गया कि इसमें मान लो एक लिक्विड है इसमें क्या इम्प्योरिटीज है तो इम्प्योरिटीज को और लिक्विड को क्या करना है मतलब इम्प्योरिटीज को रिमूव करना ही क्या होता है प्यूरीफाई करना होगा, प्यूरीफाई करने के लिए यूज हो जाएगा। एंड ऑल्सो द टेस्ट ऑफ प्योरिटी कि ये लिक्विड है इसमें कितना परसेंट प्योर है कितनी प्योरिटी है वो फाइंड करने के लिए भी क्या किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। अब देखो आगे इसमें क्या दिया होता है, द नेम क्रोमेटोग्राफी के बारे में एक्सप्लेन किया कि क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड क्रोमा, कहाँ से लिया गया है क्रोमा से लिया गया है फॉर द कलर, कलर इसका मतलब होता है कलर के लिए क्रोमा यूज किया था कलर से रिलेटेड है। तो देखो इसमें क्यों ये बोला गया क्रोमेटोग्राफी क्यों, द मेथड वॉज फर्स्ट यूज इन द फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस इन द फाउंड इन प्लांट। जो कुछ कलर्ड का सब्सटेंस थे जो प्लांट में थे प्लांट में वहाँ पे इनको सेपरेट करने के लिए क्या किया गया था, प्लांट में जो कलर्ड कंपाउंड थे उनको सेपरेट करने के लिए सबसे पहले यूज किया गया। ठीक है तो इनको क्या बोला गया कलर के लिए कलर कंपाउंड के लिए इस चीज की यूज किया गया था सेपरेट करने के लिए इस चीज को क्या बोला गया क्रोमेटोग्राफी बोल दिया गया। अब आगे देखते हैं इसमें, इन दिस टेक्निक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज अप्लाइड वन टू स्टेशनरी फेज, मतलब समझना कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्टेशनरी फेज पे क्या करते हैं हम सब्सटेंस को अप्लाई करते हैं मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, जो मिक्सचर को हमें क्या करना है सेपरेट करना है उसको हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे एक स्टेशनरी फेज होगा, जैसे मान लो कि एक स्टेशनरी फेज हो गया और इसको समझाएंगे क्या होता है स्टेशनरी फेज होगा, इसमें हमें जिसको सेपरेट करना है मतलब जो दो लिक्विड को मिक्सर को हमें क्या है कोई सब ये लिक्विड है गैस है उनको सेपरेट करना था हम स्टेशनरी फेज में क्या करेंगे हम लोग लिक्विड को अप्लाई करेंगे विच मे बी सॉलिड और लिक्विड, मतलब जो स्टेशनरी फेज के बारे में बोला जा रहा है कि वो क्या हो सकता है सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। और प्योर सॉल्वेंट मिक्सर ऑफ सॉल्वेंट्स आर गैसेज आर अलाउड टू
स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो जो स्टेशनरी फेज है, अब इसके बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ जो दोनों लिक्विड हैं वो लिक्विड क्या हो सकते हैं, दो सॉल्वेंट हो सकते हैं, दो गैस हो सकते हैं या दो लिक्विड का मिक्सर हो सकता है, मतलब गैस लिक्विड कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आगे, द कंपाउंड ऑफ मिक्सर टू गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अनदर मूविंग फेज इज कॉल्ड अब देखो जिसको हमें सेपरेट करना है उसको हम लोग स्टेशनरी फेज पे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, तो मूविंग फेज इज कॉल्ड एज मोबाइल फेज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग मोबाइल फेज बोलेंगे, तो ये दोनों लिक्विड है इनको हम लोग क्या बोलेंगे मोबाइल फेज बोलेंगे, और ये कौन सा हो जाएगा स्टेशनरी फेज होगा। तो वो ध्यान रखना है कि हम लोग को क्या करना होता है स्टेशनरी फेज होता है जो सॉलिड लिक्विड हो सकता है, और हमको जो मोबाइल फेज जिनको हमें सेपरेट करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं इसके पास करते हैं, और उसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसका में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि स्टेशनरी फेज क्या होगा, और स्टेशनरी फेज मतलब जिसकी हेल्प से हम लोग सेपरेट करेंगे सॉलिड लिक्विड रहेगा, और मोबाइल फेज हो जाएगा कि जिसको हमें क्या करना है सेपरेट करना है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व ऑन द क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरी, दो पार्ट में क्या किया गया है क्रोमेटोग्राफी को सेपरेट किया गया है, ये कौन सा है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन हो गया, और ये क्या हो गया पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो दो दो अलग अलग है, मतलब मेटे तो वही है कि स्टेशनरी फेज होगा, स्टेशनरी फेज में हम लोग क्या करेंगे मोबाइल फेज को पास करेंगे, मोबाइल फेज को हम लोग क्या करेंगे पास करेंगे और उससे सेपरेट करेंगे। तो अब एडजॉर्प्शन और पार्टीशन दो मेथड है क्रोमेटोग्राफी के, दोनों को देखते हैं हम लोग। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी देखते हैं हम लोग इसमें, तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या हो गया एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड, फर्स्ट हम देखते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट टू द डिफरेंट डिग्रीज, मतलब एक एडजॉर्बेंट हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया, और मतलब एडजॉर्बेंट पे क्या होगा जो दो लिक्विड जो भी रहेंगे वो एडजॉर्ब होंगे, जो क्या होगा मान लो L1 L2 ले लेते हैं, तो इनकी डिग्री क्या होगी जो एडजॉर्ब होने की जो डिग्री होगी वो क्या होगी डिफरेंट होगी बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड, अगर दो डिफरेंट कंपाउंड है L1 है दो डिफरेंट कंपाउंड, तो उनका क्या होगा डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को यूज करेंगे। तो देखो इसमें कॉमनली क्या बोला जा रहा है, कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट आर सिलिका एंड एल्यूमिना, जो एडजॉर्बेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है सिलिका होता है जनरली या एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना होता है, एंड मोबाइल फेज इज अलाउड, अब जो मोबाइल फेज जिसको हमें क्या करना है सेपरेट करना है अलाउड ओवर द स्टेशनरी फेज एडजॉर्बेंट, इस एडजॉर्बेंट पे हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को क्या करेंगे फ्लो कराएंगे मूव कराएंगे अलाउ कराएंगे, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर मूव बाय वेरिंग डिस्टेंस ओवर द स्टेशनरी फेज, तो जो जो L1 L2 है जो एडजॉर्ब होंगे, तो मान लो यहाँ तक क्या हो रहा है L1 आ रहा है, यहाँ तक क्या रहा है L2 आ रहा है, इस बेसिस पे डिफरेंट डिस्टेंस तक वो मूव करेंगे, इसके बेसिस पे हम लोग को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। और देखो आगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फॉलोइंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स आर यूज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन के टेक्निक के बेस्ड दो मेथड हम लोग यूज करते हैं, एक कौन सा होता है कॉमन कॉलम एडजॉर्ब कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और एक होता है कौन सा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको देखना है आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को। तो एक्चुअल में क्या होगा बस वही समझ में आ गया एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन तो पता है कि सॉलिड के फेस पे क्या होता है जो गैस है लिक्विड क्या होता है एडजॉर्ब होते हैं, तो अब जो एडजॉर्ब होंगे उनका रेट क्या होगा मतलब डिग्री क्या होगी ज्यादा या कम होगी, कोई एक ज्यादा एडजॉर्ब होगा एक कम एडजॉर्ब होगा, इसके बेसिस हम लोग क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का हमको देखना है इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है,
इसमें देखो क्या पड़ेगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ ए मिक्सर ओवर ए कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है, क्योंकि एक एडजॉर्बेंट का क्या होगा, कॉलम होगा, एडजॉर्बेंट का क्या होगा, कॉलम होगा, यहाँ पे एडजॉर्बेंट हो गया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ मिक्सर ओवर ए कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट, कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट है इसके ऊपर क्या होगा, इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, वो क्या हो गया, मान लो चलो एल वन एल टू एल थ्री तीन ले लेते, उसको सेपरेट करना है, और ये क्या हो गया एडजॉर्बेंट हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया, और ये ग्लास ट्यूब में है, ग्लास ट्यूब में इसके ऊपर क्या करेंगे, एडजॉर्बेंट के ऊपर वो मिक्सर को रख दिया, ठीक है, स्टेशनरी फेज हो गया, पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब में पैक करते हैं, देन क्या होगा, द कॉलम इज फिटेड विद स्टॉप कॉक एट द लोअर एंड, यहाँ पे क्या होगा एक स्टॉप कॉक लगा हुआ होगा लोअर एंड पे, द मिक्सर एड्जॉर्ब ऑन द एड्जॉर्बेंट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द एड्जॉर्बेंट कॉलम पैक्ड इन द ग्लास ट्यूब, अब जो ये टॉप पे प्रेजेंट है, जो लिक्विड प्रेजेंट है, मिक्सर प्रेजेंट है, वो क्या होगा एड्जॉर्ब होगा इनके सरफेस पे, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे क्या होगा एड्जॉर्ब होगा, एंड एन अप्रोप्रिएट एलिमेंट विच इज ए लिक्विड और मिक्सर ऑफ लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो डाउन कॉमनली स्लोली कॉलम स्लोली, तो कॉलम क्या हो रहा है कि अब जो ये एलिमेंट किसको बोल रहे हैं, एलिमेंट जिनको हमें क्या करना है सेपरेट करना है, इनके मिक्सर को प्योर लिक्विड या लिक्विड के मिक्सर्स को, इनको एलिमेंट बोल रहे हैं जिसको हमें क्या करना है सेपरेट करना है, इनको अलाउ करते हैं फ्लो डाउन द कॉलम, इनको कॉलम में क्या करते हैं फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, फ्लो करेंगे तो क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री टू विच कंपाउंड्स एड्जॉर्ब कंप्लीट सेपरेशन टेक प्लेस, तो अब जो इनकी डिग्री है कि कौन कितना ज्यादा एड्जॉर्ब होगा, ठीक है, एड्जॉर्बेंट में कौन कितना एड्जॉर्ब होगा, मानो यहाँ तक कोई होगा दूसरा जो है कोई दूसरा जो होगा ऊपर करते हैं, तो कौन कहाँ तक एड्जॉर्ब होगा, इसके डिग्री ऑफ एड्जॉर्बन के बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग इनको कंप्लीट सेपरेट करेंगे, इसका डायग्राम दिया हुआ है देखते हैं लोग, द मोस्ट डीपली एड्जॉर्ब सब्सटेंस इज रिटेंड नियर द टॉप एंड अदर कम डाउन द वेरियस डिस्टेंस, अब जो बहुत कम क्या होगा एड्जॉर्ब होगा वो तो क्या होगा टॉप पे ही रहेगा, जो कम एड्जॉर्ब होगा, जो ज्यादा एड्जॉर्ब होगा वो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, रिटेंड नियर द टॉप ऑफ द एंड अदर कम्स नीचे आ जाएगा, ठीक है, अब आ जाओ ऊपर आते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है, तो ये कॉलम बना दिया गया, ये कॉलम समझ में आ रहा है, यहाँ ये ऐसे क्लॉस लगाए गए, यहाँ से क्या है स्टॉप ऑफ है जिससे हम लोग अलग से सेपरेट कर सकते हैं, ये स्टेशनरी फेज हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये सॉलिड लिक्विड हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है, इसमें हमें क्या करना है मिक्सर ऑफ ये भी चीज इनको हमें सेपरेट करना है, वो हो गया ऐसे ऊपर से अलग से सॉलवेंट रख दिया गया है, तो मिक्सर ऑफ सॉल्वेंट, अब ये क्या होंगे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं एब्जॉर्ब हो रहे हैं, पहले ये ऊपर एब्जॉर्ब हो गया बी प्लस सी क्या है क्या आ जाए, फिर बी प्लस सी में डी हो जाएगा और सी और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो सी और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, अब ये धीरे धीरे इनको क्या करेंगे ऐसे ओपन करके धीरे धीरे इनको क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, ये तो पहले कौन सेपरेट हो जाएगा सी सेपरेट हो जाएगा, देन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, देन क्या करेंगे तीनों एक एक करके सेपरेट कर लेंगे, ये कौन सा मेथड है कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पीएलसी इज अनदर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, क्या है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन होगा विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सर ओवर ए थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन द ग्लास प्लेट, ये कह रहा है कि एक क्या होगा ग्लास प्लेट होगा, ठीक है एक ग्लास के प्लेट है उस पर क्या होगा वो कोटेड होगा, जो एडजॉर्बेंट होगा वो क्या होगा कोटेड होगा,
एडजॉर्बेंट हो गया, एडजॉर्बेंट होगा वो क्या होगा, ये ग्लास पे क्या होगा कोटेड होगा। इट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सर, जो सेपरेशन ऑफ मिक्सर करना है जैसे नीचे मान लेते कुछ वैसे ही एल वन एल टू क्या करना है सेपरेट करना है, तो मिक्सर में सेपरेट करना है, तो ये हो गया मोबाइल फ्यूज हो गया और ये कुछ क्या हो गया एडजॉर्बेंट हो गया। तो एक ग्लास के क्या हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास प्लेट है, इसपे क्या करते हैं हम लोग एडजॉर्बेंट को कोटेड कर देते हैं, ठीक है कोट कर देते हैं इसमें, और थिन लेयर अबाउट 0.2 mm थिक ऑफ एन एडजॉर्बेंट, जो इसकी थिकनेस होती है कितना रहता है 0.2 mm थिक रहता है। एडजॉर्बेंट कौन सा होगा, फिजिक्स में भी सिलिका जेल या एल्यूमिना इज स्प्रेड ओवर द ग्लास प्लेट विद सुटेबल साइज, सुटेबल साइज का कोई ग्लास प्लेट रहेगा उस पर हम लोग क्या करेंगे उसकी कोटिंग कर देंगे। समझ में आ गया, ये एडजॉर्बेंट की कोटिंग हो गया और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एल वन एल टू को सेपरेट करेंगे। द प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, द प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, प्लेट आर क्रोमो प्लेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट या फिर क्रोमो प्लेट बोलते हैं। अच्छा इसको ये वाला जो प्लेट है इसको बोला जा रहा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट या क्रोमो प्लेट बोल देते हैं। समझ में आ गया, अभी देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये प्लेट हो गया। द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सर टू बी सेपरेट इज अप्लाइड एज ए स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 cm अबव द थिन लेयर ऑफ प्लेट। अब ये बोला जा रहा है कि जो जहाँ से ये लिक्विड को जिनको सेपरेट करना है तो उसको सेपरेट करने के लिए जो क्या है 2 cm अबव वन एंड, थिन लेयर का जो वन एंड है इस एंड से 2 cm ऊपर क्या करते हैं हम लोग एक स्पॉट लगा देते हैं, ठीक है एक स्पॉट किसी दूसरे के कलर से क्या होगा एक मतलब स्पॉट लगा दिए 2 cm ऑफ द वन एंड ऑफ प्लेट। तो इससे क्या हुआ, इसको डायग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। द प्लेट इज देन प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड जार कंटेनिंग एलुएंट, एलुएंट मतलब जिनको सेपरेट करना है। एज एलुएंट राइजेज अप द प्लेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर मूव अप अलोंग विद द एलुएंट टू द डिफरेंट डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन या सेपरेशन टेक प्लेस। तो वही है यहाँ पे डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन और सेपरेशन से ही क्या करेंगे हम लोग डिसाइड करेंगे कितना एब्जॉर्ब हो रहा है कौन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो देखो जब यहाँ पे जैसे अब इसको डायग्राम समझते हैं कि जैसे देखो ये है तुम्हारा ये ग्लास हो गया, ये ग्लास हो गया एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन द ग्लास प्लेट, यहाँ पे साइड पे क्या किया गया यहाँ पे कोटिंग कर दिया गया है। अब यहाँ पे इस जो वन एंड है इससे हम लोग क्या करें 2 cm ऊपर हम लोग क्या करते हैं एक डॉट बना दिया गया है स्मॉल डॉट, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना अबव तक वो सॉल्व हो गया है। यहाँ पे नीचे क्या है जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे एलिमेंट जिनको हमें क्या करना है सेपरेट करना है, तो और यहाँ से एक बेस लाइन होगा, यहाँ से लिक्विड है यहाँ तक लिक्विड है वो बेस लाइन हो गया, अब इससे हम लोग देखेंगे 2 cm डॉट है इससे ऊपर कितना तक मूव होता है और इसके बीच में हम लोग सेपरेट करेंगे। यहाँ पे देखो द रिलेटिव एडजॉर्प्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर, जो रिलेटिव कितना कौन कितना एडजॉर्ब होगा वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, एक वैल्यू निकालते हैं आर एफ वैल्यू जिसको क्या बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन फैक्टर बोलते हैं। तो रिटार्डेशन फैक्टर देखो समझो क्या है, रिटार्डेशन फैक्टर क्या है कि इस डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन, जो सब्सटेंस को सेपरेट करना है वो बेस लाइन से कितना डिस्टेंस ऊपर गया, कितना डिस्टेंस ऊपर गया वो वाला डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस राइज किया एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन, या बेस लाइन से सॉल्वेंट कहाँ तक गया, सॉल्वेंट जहाँ मान लो यहाँ तक गया और फिर ये यहाँ तक गया जो सब्सटेंस है वो मूव किया यहाँ तक, तो कौन कितना मूव किया उसका दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होता है रिटार्डेशन फैक्टर होता है। और नीचे यहाँ से अच्छे से समझ जाएगा, देखो ये डॉट बनाया गया था स्मॉल डॉट, ठीक है डॉट कोई डॉट स्पॉट कौन सा होगा, स्पॉट इसमें कंफ्यूजन का स्पॉट कौन सा होगा, ये स्पॉट होगा तुम्हारा उसी का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हमें क्या करना है सेपरेट करना है, सॉल्वेंट का स्पॉट नहीं होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही कुछ पार्ट लेके उसका एक स्पॉट बना लेते हैं, कुछ मिक्स करके स्पॉट बना लेंगे जिससे कि हमें वो पता चलेगा
अब उसको 2 सेंटीमीटर ऊपर क्यों रखा गया था, वो ऐसे रखा गया था जब वो सब्सटेंस यहाँ पे आता जाएगा जब यहाँ पे आ जाएगा तो वो इसको इसको क्या लेते जाएगा, साथ ही लेते जाएगा। तो क्या लेते जाएगा वो स्पॉट को और वो सब्सटेंस क्या होते जाएंगे, साथ ही चलते जाएंगे। तो मान लो जहां तक स्पॉट रहेगा वहां तक हमें समझ में आ जाएगा कि वो सॉल्वेंट हो गया। तो बेस लाइन से वो सॉल्वेंट सब्सटेंस कितना मूव किया, वो क्या हो गया, एक्स हो गया। देखो डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो गया। और डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन, वो क्या है, वाई है। वो देखो यहाँ पे ये वाला वाई हो गया, कि ये सॉल्वेंट यहाँ बेस लाइन से सॉल्वेंट कितना मूव किया है, ये हो जाएगा सॉल्वेंट का। समझ आ गया, ये रिटार्डेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। और ये डिफरेंट रेट ऑफ डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन की बेसिस पे इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, सेपरेट करते हैं। आगे इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से द स्पॉट ऑफ द कलर कंपाउंड्स आर विजिबल इन थिन लेयर प्लेट ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर। ओरिजिनल कलर की वजह से क्या होगा, वो स्पॉट जो होगा वो विजिबल होगा। अगर मान लो विजिबल है तो ठीक है, अगर स्पॉट डायरेक्ट हमारे से विजिबल है तो मेजर कर सकते हैं। और द स्पॉट ऑफ द कलर ऑफ द कंपाउंड विच आर इनविजुअल आई बट फ्लोरेसेंस इन द अल्ट्रा वायलेट लाइट। अगर वो स्पॉट हो सकता है तो स्पॉट इज कलरलेस कंपाउंड, अगर वो कलरलेस कंपाउंड है तो भी क्या होगा, जो आई से विजिबल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पर अल्ट्रा वायलेट रेज पास करके उसका फ्लोरेसेंस होता है, चमक उत्पन्न होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज वहाँ पे टकराएंगे, क्या होगा चमक उत्पन्न, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कैन बी डिटेक्टेड बाय द पुटिंग द प्लेट अंडर द अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर अगर उसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा। और एक और डिटेक्शन की टेक्निक यहाँ बोला जा रहा है कि अनदर डिटेक्शन टेक्निक इज प्लेस्ड द प्लेट इन द कवर्ड कंटेनिंग ऑफ फ्यू क्रिस्टल ऑफ आयोडीन। कि एक और डिटेक्ट करने का टेक्निक क्या है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन वाले क्रिस्टल हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, आयोडीन में पुट कर देंगे। द स्पॉट ऑफ द कंपाउंड विच एब्जॉर्ब आयोडीन, तो वो कंपाउंड क्या करेगा, आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा एंड शोज ब्राउन कलर, ब्राउन स्पॉट। और वो कौन सा, अगर वो आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है कंपाउंड तो वो क्या करेगा, ब्राउन कलर शो करेगा, तो भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं उसको। समटाइम्स एन एप्रोप्रिएट रीजेंट मे ऑल्सो स्प्रेड ऑन द प्लेट। कभी कभी क्या होता है, कुछ हम लोग को रीजेंट क्या करना होता है, वहाँ पे स्प्रे करना होता है, स्प्रेड करना होता है प्लेट पे। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड मे बी डिटेक्टेड बाई द स्प्रेइंग इन हाइड्रिन सोल्यूशन। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अमीनो एसिड को हमें डिटेक्ट करने के लिए कौन सा प्लेस करते हैं, स्प्रे करते हैं, नीन हाइड्रेट सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो पैनिंग मतलब ये है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी वही है, उसमें आरएफ फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट था, आरएफ फैक्टर क्या था, और ये ग्लास ट्यूब रहेगा उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, एलिमेंट्स को रख लेंगे जो उनके बेस लाइन से कितने कितने अपने अपने डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन की बेसिस पे क्या हो गए, अलग अलग रेट से क्या करेंगे वो ऊपर जाएंगे, ठीक है, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हो गया, तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। देखो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस पार्ट differential partitioning of component of a mixer between stationary and mobile phase। तो basic यहाँ समझते हैं कि क्या होगा, ये partitioning हो गया, मतलब partition हो गया, यहाँ पे mobile phase हो गया और एक हो गया stationary phase। तो ये partition की basis पे कौन कितना, मान लो क्या होगा, यहाँ से कितना move किया, कितना कोई एक move करेगा, कितना rate से, इसमें क्या होगा, पार्टीशन के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, एक स्टेशनरी फेज होगा और एक क्या होगा, मोबाइल फेज हो गया, जिसको हम जिसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो और एक कोई पार्टीशनिंग क्या होगा, पार्टीशन का कोई सब्सटेंस होगा जिससे हम लोग क्या करेंगे, ये डिफरेंट कंपोनेंट को यहाँ यहाँ ऐसे क्या करेगा, पार्टीशन क्या करेगा, सेपरेट करेगा, कुछ ऐसे होगा। देखो पार्टीशनिंग क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट, वो कंपोनेंट्स क्या करेगा,
कंपोनेंट्स में पार्टीशन रहेगा जो मिक्सर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फोन। अब इसके लिए कौन सा हम यूज करते हैं, देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ पार्टीशनिंग क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी हम लोग यूज करते हैं पार्टीशनिंग क्रोमेटोग्राफी के लिए। और इन पेपर क्रोमेटोग्राफी मतलब ये क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी है, अब उसमें होता क्या है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी तो इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेशल क्वालिटी ऑफ पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफिक पेपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो एक क्या होता है क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है तो हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट, जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है ठीक है, जो मान लो एक क्रोमेटोग्राफी पेपर हो गया इसमें क्या होता है मान लो स्फेरिकल ऐसे मान लेते हैं ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर इसमें क्या होता है वाटर होता है ठीक है, वाटर कंटेंट होता है। और स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर स्पॉटेड एट द बेस ठीक है। अब जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं एक स्पॉट कर दिए बेस में, क्या करते हैं स्पॉट लगा दिए। विद द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सर इज सस्पेंडेड इन अ सुटेबल सॉल्वेंट और मिक्सर ऑफ सॉल्वेंट। अब जिसको हमें क्या करना है सेपरेट करना है उनमें जो सॉल्यूशन या मिक्सर है उनमें जिसको हमें क्या करना है सेपरेट करना है, इसमें हमें रख दे रहा है सस्पेंडर सूटेबल सॉल्वेंट मिक्सर ऑफ सॉल्वेंट देखो इसमें दिया हुआ है। दिस सॉल्वेंट एक टाइप ऑफ मोबाइल फेज, अब ये जो सॉल्वेंट हो गया इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा मोबाइल फेज की तरह यूज होगा। तो सॉल्वेंट राइजेस ऑफ पेपर बाई कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन से क्या होगा ये जो एक सॉल्वेंट होगा वो क्या होंगे राइज होंगे एक्शन की वजह से क्या होगा एंड क्लोज ओवर द स्पॉट, और जो स्पॉट होगा उसके साथ क्या होते जाएंगे ऊपर आते जाएंगे, स्पॉट के साथ क्या होते जाएंगे ऊपर आते जाएंगे। द पेपर सेलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट पार्टीशन ऑफ टू फेज। अब ये इस पेपर की प्रॉपर्टी है ठीक है, इस पेपर की प्रॉपर्टी वो डिफरेंट अगर मान लो कंपोनेंट्स भी है सॉल्वेंट ऊपर जा रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स रहेंगे तो उनमें क्या करेगा पार्टीशन करेगा, उसमें पार्टीशन करके क्या कर सकता है सेपरेट कर सकता है, अलग अलग स्पॉट रहेंगे तो उनको उनको क्या कर सकता है अलग अलग सेपरेट कर सकता है पार्टीशन कर सकता है उनमें, ये उस पेपर की क्वालिटी होगी। द पेपर स्ट्रिप तो डेवलप्ड इज नोन एज क्रोमेटोग्राम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। तो स्पॉट of the separated colored compounds are visible by the different height, अगर मान लो हमने different different spot लगाए तो वो different different क्या होगा जो भी मतलब उस component का देखो जो component है उसी के component का कोई part क्या करते हैं spot कर देते हैं, उसी component का कोई part spot कर दिए इससे कि वो क्या होगा कि ये spot जहाँ जहाँ आके रुके रहेंगे तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक क्या है वो जो पहला वाला है दूसरा से ये है तीसरा ये तीसरा होता है यहाँ से यहाँ तक वो जानता है। तो ये जो स्पॉट होता है स्पॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं स्पॉट आर सेपरेटेड बाय द कंपाउंड विजिबल हाइट फ्रॉम द पार्टीशन ये स्पॉट इनिशियल स्पॉट ऑन द क्रोमेटोग्राम। ये देखो डायग्राम से यहाँ समझ आ रहा है कि ये क्या हुआ क्रोमेटोग्राफिक पेपर हो गया ये ठीक है, ये यहाँ पे स्पॉट लगाया गया है और डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं ये ऊपर जा सकता है ये सब क्या होगा सॉल्वेंट हो गया या मिक्सर हो गया जिसमें आपको क्या करना है सेपरेट करना है, ये जार हो गया स्पॉट लगाया गया है कार्डबोर्ड ऊपर है तो अब यहाँ से क्या होगा जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट ऊपर जाएगा और भी जो होंगे वो क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट हाइट तक जाएंगे, इसमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर की वजह से कैपिलरी एक्शन की वजह से ये सर्कुलर कर दिया गया कैपिलरी एक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट हाइट तक क्या होंगे रेज होंगे, जैसे कैपिलरी एक्शन क्या होता है स्पीड हो गया यहाँ पे रख देता है क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर क्या क्या होते जाते हैं तो इनकी वजह से ऊपर जाते रहेंगे और क्या हो जाएंगे सेपरेट होंगे। और पेपर की भी क्वालिटी रहती है वो तो वही है हमारा कैपिलरी एक्शन तो वही है और उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे और अच्छे से समझाएंगे कि सॉल्वेंट हो गया बेस लाइन हो गया यहाँ से ऊपर जा रहा है स्पॉट हो गया जा रहा है और पेपर क्रोमेटोग्राफी है यहाँ से जाते रहेंगे ऊपर जाते रहेंगे स्पॉट आ जाएंगे, ये हो गया पेपर क्रोमेटोग्राफी का पूरा डिटेल। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि द स्पॉट ऑफ द सेपरेटेड कलरलेस कंपाउंड में भी ऑब्जर्व आइदर अंडर, अगर वो मान लो सिंपल जो स्पॉट होते हैं वही जो उसमें भी बोला गया था एडजॉर्प्शन में क्रोमेटोग्राफी में कि अगर वो
स्पॉट क्या होंगे, ऑब्जर्व हो जाएंगे सिंपल आई से तो ठीक है, नहीं तो अल्ट्रा वायलेट रे से क्या करेंगे पास करके वहां से हम लोग, या फिर कोई सब्सटेंस का रिएजेंट का स्प्रे करके हम लोग क्या कर सकते हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्वेश्चन कभी कभी ऐसे थियोरेटिकली आ सकता है तो इनको अच्छे से पढ़ लेना।